हेलो फ्रेंड, आपको प्रियंका कुमारी किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज हम आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी पनीर पकौड़ा का रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए, आप वीडियो में बने रहें और ये कैसे बनता है पनीर पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी है और कैसे बनता है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। घर पे ही बनाए हैं फ्रेंड और आपके साथ शेयर कर, पनीर का भी मैं कैसे अपने घर पे बनाऊं उसका वीडियो भी शेयर की हूँ। आप अगर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस उसका लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूँगी। वो बहुत अच्छी तरह से मैंने वो वीडियो बनाई है। आज देखिए बहुत ही अच्छा है। आज थोड़ा हमारे यहाँ बारिश हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज पनीर का पकौड़ा ही बनाती हूँ। बारिश में थोड़ा पनीर थोड़ा पकौड़ा खाना ही अच्छा लगता है फ्रेंड। अब इस सबको हम छोटे छोटे क्यूब में, ना छोटा ना बड़ा, मीडियम में काट ले रही हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना, अगर अगर हम भर भर का कमेंट भी कीजिए और आपसे आप लोगों का कमेंट पढ़कर हमें अच्छा लगता है फ्रेंड। चलिए, मैंने इसे काट लिया, काट लिए हैं। अब चलते हैं इसका बैटर बनाने फ्रेंड। इसी पर थोड़ा हम मसाला डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि उसमें नमक डालना है बेटर में। अब इस सबको थोड़ा मिक्स कर ले रहे हैं फ्रेंड, इससे और भी पकौड़ा हमारा अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद हम पे बने रहे, सभी पर, सभी दर्शकों, सभी यूट्यूब चैनल एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। सब इसीलिए तो जुड़े हैं, हम लोग एक फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट करना ही हम लोग का। फ्रेंड ये अच्छी तरह से मिक्स, थोड़ा देर के लिए इसे रेस्ट पर रख देते हैं फ्रेंड। इसका बटर बनाने के लिए ना हमने एक चम्मच बेसन ले लिए हैं और छोटी चम्मच से सूजी थोड़ा सा ले लिए हैं जिससे ये कुरकुरे बन जाए, और थोड़ी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं फ्रेंड। नींबू काट कर थोड़ा ले लिए, थोड़ा सा ही रस डालेंगे। और फ्रेंड इसमें थोड़ा बेसिक मसाला डाल देते हैं, थोड़ी काली मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और सबको बेटर घोल कर तैयार कर लेते हैं। ना हल्का मोटा ना पतला, देखिए फ्रेंड, ना मोटा ना पतला, चम्मच के सहायता से इसे घोल को तैयार कर लेंगे फ्रेंड। स्वाद अनुसार नमक रख लेंगे। देखिए हमने बेटर तैयार कर लिए है फ्रेंड। देखिए इसी तरह का बेटर, ना ज्यादा मोटा ना पतला रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम पनीर जो जो मिक्स करके रखे थे उसमें बैटर में डालकर अच्छी तरह से फ्रेंड इसको इस तरह से चम्मच के सहायता से या हाथ के सहायता से जो आपको अच्छा लगे उसी के सहायता से इसे अच्छी तरह से हम पूरी कोट कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। जितना आ जाए उतना आप डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा ये पकौड़ा बनकर, पनीर पकौड़ा बनकर तैयार होगा। इससे
काटे वाले चम्मच में उतना मसाला नहीं, इसमें थोड़ा मसाला ऐसे पड़ जा रहा था, इस तरह से आप डालिए कांटे वाले से तो और भी अच्छा रहेगा। एक बार इस तरह पानी पनीर पकौड़ा बनाकर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। पनीर का सब्जी तो हम लोग रोज रोज खाते हैं, ऐसे पकौड़ा बनाकर भी इसको सब्जी बना सकते हैं फ्रेंड, अच्छा लगेगा खाने में। आप ट्राई तो करिएगा पहले फ्रेंड। फ्रेंड अभी से अलटते पलटते पका लेंगे। देखिए ब्रेड बनकर तैयार है, अब इसे हम छान लेंगे। ये बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा फ्रेंड, इसे हम छान कर निकाल लेते हैं, ये सभी को पसंद आएगा।